इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फिलेट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे स्केच। रेक्टेंगल कमांड की मदद से फ्री हैंड सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें फ्यूचर्स टूल लगाएंगे, तो फ्यूचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करें और इसका थिकनेस 25 mm एंटर कीजिए। ओके, अब हम फिलेट यूज करेंगे। फिलेट का यूज हम शार्प एज या शार्प कॉर्नर को राउंड करने के लिए करते हैं। फ्यूचर्स पे क्लिक करें, यहाँ पे फिलेट कमांड का आइकन दिया गया है, इसके नीचे एक एरो है, इस पे क्लिक करें और फिलेट पे क्लिक करें। फिलेट आप दो तरीके से लगा सकते हैं, मैनुअल और फिलेट एक्सपर्ट। आज हम मैनुअल तरीके से फिलेट लगाना सीखेंगे। मैनुअल में 4 टाइप्स का फिलेट दिया गया है। पहला है कांस्टेंट साइज फिलेट, दूसरा है वेरिएबल साइज फिलेट, तीसरा है फेस फिलेट और चौथा है फुल राउंड फिलेट। आज हम कांस्टेंट साइज फिलेट सीखेंगे, तो कांस्टेंट साइज फिलेट पे क्लिक करें। आइटम्स टू फिलेट वाले बॉक्स में क्लिक करें, इसमें आप एज, फेस या फ्यूचर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम एज सेलेक्ट करेंगे, तो इस एज पे क्लिक करें, इस एज पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो रहा है। आप जो भी एज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। इसे क्लियर कीजिए। अब हम फेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे, तो इस फेस के चारों कॉर्नर पे जितने भी एज हैं सारे पे फिलेट अप्लाई हो रहा है। इसे क्लियर कीजिए। अब हम फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, तो इस एरो पे क्लिक करें, बॉस एक्सट्रूड 1 पे क्लिक करें, तो इसमें जितने भी एजेस हैं सारे पे फिलेट अप्लाई हो रहा है। इसे क्लियर कीजिए। हम एज सेलेक्ट करेंगे, तो इस एज को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और तीसरा हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्शन टूल बार वाले बॉक्स में टिक रहने दीजिए। टेंजेंट प्रोपगेशन वाले बॉक्स में भी टिक रहने दीजिए और इसे फुल प्रीव्यू रखिए और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। फिलेट पैरामीटर्स में सिमेट्रिक सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम कांस्टेंट साइज फिलेट यूज कर रहे हैं और इसका रेडियस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें। हम यहाँ पे 6 mm एंटर करेंगे और प्रोफाइल में सर्कुलर रहने दीजिए और ओके कीजिए। तो ये देखिए हमारे सेलेक्टेड एज पे कांस्टेंट साइज फिलेट अप्लाई हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। आगे की लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएबल साइज फिलेट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।